मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा मेगा वैक्सीनेशन शिविर में वैक्सीन लगाने लगी भीड़। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा 21 जून से आयोजित टीकाकरण शिविर में टीका लगवाने वालों में उत्साह देखने को मिला। शिविर में सुबह से ही टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई, जहां शिविर के दूसरे दिन लगभग 500 से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की डोज लगाई गई। वहीं टीकाकरण के इसी उत्साह को बरकरार रखने एवं जिले में अधिक से अधिक टीकाकरण करने हेतु मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ बालाघाट द्वारा 24 जून तक नगर के अम्बेडकर चौक स्थित कमला नेहरू प्रेक्षागृह में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ बालाघाट नगर की जनता से अधिक संख्या में पहुंचकर टीका लगाने की अपील की गई है। वही टीकाकरण शिविर का समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड साथ में लाना अनिवार्य होगा। खबर भारत न्यूज के लिए बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। जी भैया, बताया आज 23 जून बुधवार को कितने लोगों का वैक्सीनेशन आपके द्वारा यहाँ पर शिविर लगा के किया गया? श्रमजीवी पत्रकार संघ बालाघाट इकाई के द्वारा मेगा वैक्सीनेशन शिविर का दूसरा चरण था और आज 23 जून को 500 डोज यहाँ पर लगे हैं। बालाघाट नगर मुख्यालय के अधिकांश युवक युवतियाँ और बुजुर्ग लोगों ने यहाँ पर टीकाकरण करवाया है और हम चाहते हैं कि ये टीकाकरण कार्य और तीव्र गति से हो, क्योंकि निसंदेह आने वाले समय में तीसरी लहर की भी तेज गति दिखने को मिल सकती है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि श्रमजीवी पत्रकार संघ के माध्यम से हम आने वाले समय में और टीकाकरण शिविर को बढ़ा सकते हैं। निसंदेह आज जो अधिकारी गण आए थे उनका भी ये कहना है श्रमजीवी पत्रकार संघ एक दो दिन का शिविर और आगे बढ़ा दे, तो हम चाह रहे हैं कि अगले दो दिन तक और शिविर बढ़ सकता है ताकि बालाघाट नगर मुख्यालय के लोगों को टीकाकरण करने में आसानी जाए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए खबर भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें पंकज डहरवाल, कॉन्टैक्ट नंबर 9826564928। कार्यालय का पता, प्रेस मीडिया कार्यालय, तिरोड़ा रोड, खैरलांजी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।